नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। खबर यूपी के सीतापुर से है, लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा चलाई गई खबरें आपको मुफ्त में मिलती रहें। अब आइए खबर की शुरुआत करते हैं। यूपी के जनपद सीतापुर में बसपा प्रत्याशी द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सीतापुर के लहरपुर विधानसभा 148 से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जुनेद अंसारी द्वारा तंबोर कस्बे में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। वहीं AIMIM यूथ जिला अध्यक्ष काशिफ अंसारी ने मोहम्मद जुनेद अंसारी के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर। आज जिस तरह से आपकी जनसभा में हमने देखा कि AIMIM के कार्यकर्ता आपकी जनसभा में शामिल, इसका क्या कारण है, किस तरह से आपको समर्थन दिया है? देखिए, इसका कारण ये है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने ये देखा कि अपना भाई लड़ रहा है और अपने भाई के नाते ये लोग सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी खुलूस और मोहब्बत है, और ये इनकी पार्टी कौम परस्त है। अपने भाई को देख के इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं दिया, ये इनका एहसान है, और ये सब हमारे साथ हैं। और यही क्या साथ हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, सर्जन सर समाज हमारे साथ है, चाहे वो कोई भी समाज हो। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं क्षेत्र में, किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या अनुभव देखने को मिल रहा है? आपने खुद ही देखा, अभी हमारी नुक्कड़ सभा एक हो रही थी, वो नुक्कड़ सभा तो ज़रूर थी लेकिन वो जनसभा हो गई थी बड़ी, काफ़ी आदमी था उसमें। आज बाज़ार में घूमा, बुज़ुर्ग लोग सब लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैं जन जन तक जा रहा हूँ, माहौल अब किसे दूसरा ही है, बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लहरपुर विधानसभा में अलग अलग पार्टियों से कई प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों में आपकी किस प्रत्याशी से लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, क्योंकि हम जीत रहे हैं। लड़ाई उससे होती जो टक्कर में होता है। बहुजन समाज पार्टी के आगे कोई टक्कर है ही नहीं, क्योंकि इस बात सबके पास स्वर समाज नहीं है, हमारे पास स्वर समाज है। चाहे ब्राह्मण समाज ले लो, चाहे दलित समाज ले लो, चाहे मुस्लिम समाज ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी का नारा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मतदान होने वाला है, मतदान को लेकर के कोई जनता से अपील? हम जनता से, खासकर इस वक्त तंबोर में खड़ा हूँ तो तंबोर की लोगों से हम हाथ जोड़ के अपील यही करेंगे कि आपने बहुत लोगों को आजमाया है, एक मौका अपने भाई अपने बेटे जुनेद अंसारी को दो, यहाँ पे विकास हो सके, यहाँ पे लोगों का सुख दुख का मैं साथी बन सकूं, और यहाँ की जो कठिनाई है, पीड़ा है जिन लोगों की मैंने महसूस की है, उस चीज़ों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूं। और 23 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनाने की सब लोग कृपा करें। जिस तरह से आज हमने आपको बसपा की जनसभा में देखा, किस तरह से आपका सहयोग हुआ, किस तरह से आपकी बात हुई, और क्या ऐसा मन में आया कि आप लोग बसपा प्रत्याशी का सहयोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि क़यादत को खड़ी करना है। संपूर्ण ज़िले में हमारे 9 विधानसभाएं कहीं पे प्रत्याशी नहीं हैं, और कुछ उलमाए कराम जो हमारे ज़िले की एक शख्सियत हैं, तमाम ने मीटिंग की और यही कहा कि आपका कोई प्रत्याशी नहीं जा, यहाँ से जुनेद साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ये उस शख्सियत के बेटे हैं जिनका नाम बुनियाद हुसैन अंसारी, जिन्होंने ज़िले के अंदर बहुत सारे लीडर पैदा किए, तो आज उनका बेटा मैदान में, वहाँ पे कोई नहीं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है कि आप उनका सपोर्ट करें पूरी तरीके से। हम लोग जुनेद साहब के सहयोग कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज जो है वो बीजेपी के साथ नहीं, ना समाजवादी के साथ है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और हमारी पार्टी का जो नारा है जय भीम और जय मीम, वो विचारधारा और वो नारा ऐसा मिलता जुलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, तो इसलिए जुनेद साहब के साथ हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छी तादाद जो हम लोगों के साथ है वो जुनेद साहब के साथ है, और हम लोग इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वोटों से कामयाब भी हो रहे हैं। अब तंबोर नगर अध्यक्ष हैं, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे रख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में जब जाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है
महंगाई, बेरोजगारी जो आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिली है, आज युवा बेरोजगार है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार में योजनाएं थी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा हूं।